लो जी बिस्मिल्लाह। आशाबाशे। खुद भी खाओ ना, मुझे ही खिलाते रहोगे। अरे खा लूंगा लेकिन पहले आप लीजिए। बेटा हमेशा यही सोचती हूँ, जब भी तू छुट्टी आएगा ना तुझे जी भर के खिलाऊंगी, लेकिन तू है कि मुझे खिलाया जा रहा है। अरे मेरी प्यारी माँ, इसीलिए तो मैं छुट्टी लेके घर आता हूँ कि आपकी खिदमत कर सकूँ, कुछ खिला पिला सकूँ। चलिए कितनी कमजोर हो गई हैं, जरा ख्याल नहीं रखती हैं आप अपना। चले 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 मुँह खोलिए। शाबाश शाबाश। बस बेटा बस। मकबूल साहब, अरे ओ मकबूल साहब, और मैं आया हूँ शो की टाइम पास। किधर है शोकी पुत्र? तू चाची मकबूल सैन को बताओ कि उसका बचपन का दोस्त शोकी टाइम पास आया है। हाँ, है दिल किसी की याद में होता है बेकार। किधर है वो? शोकी तुम भी वाकई बहुत ही दिलचस्प हो। ये बात तो ठीक है, मगर बातों बातों में बात ना डाले, मुझे बताए कि मेरा जिगरी दोस्त किधर है। हाँ बेटा, वो कहीं किसी काम से बाहर गया है। उफ अल्लाह, इतने अरसे बाद वो छुट्टी आता है, मैं सोचता हूँ कि मैं उसके साथ बैठकर गप्पे लगाऊंगा, उसके हाथों की बनी हुई चाय पीऊंगा। आपने उसे बाहर क्यों भेज दिया है? अभी आ जाता है, परेशान क्यों होते हो? क्या आपने तो सारा मूड ही खराब कर दिया चाची, मैं किधर उसको तलाश करूं? चलो और मेरा मूड खराब हो जाए ना तो मुझे सख्त रोना आ जाता है। बेटा बैठो, मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मैंने उसके हाथ की पी ली है, मैं जा रहा हूँ। दिल किसी की याद में। अस्सलाम वालेकुम। आशिया। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुमसे ही मिलने गया था, वो मेरा मतलब ये है कि पुप्पू से मिलने गया था। तुम कहाँ से आ रही हो? मैं हाजा के घर गई थी, उसके घर में सूरह यासीन का खत्म था ना, बस वहीं से आ रही हूँ। चलिए घर चलते हैं, अम्मी जान घर पे हैं। नहीं नहीं, बस तुम्हें देख लिया है यही काफी है। तुम्हें तो पता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही दीदार करने के लिए आता हूँ। वो असल बता रहा था कि जुमरात जुम्मे को शादी हो रही है तुम्हारी। जी हाँ, सारी तैयारियां मुकम्मल है। बस करो आसिया, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। पप्पू ने मेरे साथ शादी से किस लिए इनकार किया था? कि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है? देखो मैं सारी जिंदगी मैंने ऐसे तो नहीं रहना। नवीद, जोड़े आसमानों पर बनते हैं और मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। देखो मेरी सोचों और मेरे ख्यालों में सिर्फ तुम हो, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं एक मशरूम की लड़की हूँ, मेरे माँ बाप ने जहाँ मेरा रिश्ता तय कर दिया मैं उसमें बहुत खुश हूँ, और हम सब की खुशी भी इसी में है। देखो देखो, मुझे तो तुम समझा रही हो, लेकिन इस कमबख्त दिल को कौन समझाए। अम्मी घर पे अकेली है, मैं जा रही हूँ। और मैं जो अकेला रह गया हूँ, मेरा क्या बनेगा? काश तुम मेरे जज्बात को समझ सकती।
چلو بس بہت شغل ہو گیا, اب اذان ہونے والی ہے, نماز کا وقت ہے, چلو آؤ سارے نماز ادا کریں. پیاری لگ رہی ہو بیٹا, میرا مقبول حسین بہت قسمت والا ہے جسے اتنی پیاری دلہن ملی ہے. بیٹا میں تمہاری ساس ہوں لیکن مجھے اپنی ماں سمجھنا, یہ تمہارا اپنا گھر ہے, یہاں تم راج کرو گی, رانی بن کے رہو گی. ہاں میرا بیٹا. بول حسین اب میں چلتا ہوں, بہت تھک گیا ہوں, کل ولیمے کا بھی بندوبست کرنا ہے, تو میں سرکل تم بھی آرام کرو, ہمیں اجازت ہو, انشاءاللہ کل ملاقات ہے. چلو صحیح ہے, اور صبح سویرے آ جانا انشاءاللہ, آپ بالکل بے فکر ہیں, صبح انشاءاللہ جلدی ہم آئیں. ٹھیک اچھا اچھا خدا بھائی, اللہ حافظ. یہ بات السلام علیکم. وعلیکم السلام. آخر اللہ نے ہمیں کر ہی دیا, بہت دعائیں مانگی تھی میں نے اس دن کے لیے. شرم اچھی چیز ہے اور عورت کا زیور بھی, مگر ایک زیور جو میں نے آپ کی چاہت میں صرف آپ کے لیے خریدا ہے وہ پہنانا بھی بہت ضروری ہے. اپنا خوبصورت ہاتھ آگے کیجیے تاکہ یہ چھوٹا سا تحفہ آپ کے حسین ہاتھ کی زینت بن سکے. عورت کا اصلی زیور تو اس کا مرد ہی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آپ کی چاہت اور ضد کو دیکھ کے میں انتہا کیسے کر سکتی ہوں. کہاں لے کے آ گئی تجھے کو؟ ارے یار کیا ہو گیا ٹائم پاس, جب وہ بتا جو رہا ہے کہ تھوڑا سا راستہ باقی ہے تو کیوں بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ ارے یار اس کا خالہ زاد بھائی بیمار ہے, اسے اسپتال پہنچانے والا کوئی نہیں, دوسروں کے کام آنا ہی اصل زندگی ہے. ٹائم پاس کا تو بولے کے ساتھ ٹائم پاس کرنا پڑے گا. بابو
मेरा बूढ़ा, वो मेरे साथ बूढ़ा चला गया, वो बूढ़ा चला गया, बूढ़ा बूढ़ा गिर गया नीचे, बूढ़ा 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 ऐ मेरे मौला, उसे अपनी हिफाजत में रखना। या अल्लाह, मेरा बच्चा तेरे हवाले, या अल्लाह उसकी हिफाजत करना, उसकी हिफाजत करना मेरे मौला। मैं तो अपना दुख और अपना बोझ हल्का करने तेरे पास आई थी, लेकिन तुम्हें इस हाल में देख के बहुत दुख हुआ। जिस माँ का जवान बेटा शादी वाले दिन घर से चला जाए अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के, उस माँ का क्या हाल होगा। मैं भी इसी इंतजार में कि कब मेरा बेटा मकबूल हुसैन वापस आ जाए। ये इंतजार भी बहुत जालिम चीज है। अगर इंसान रेशम पे भी बैठा हो तो अपने आप को कांटों पे बैठा हुआ महसूस करता है। मुझे भी अपनी बेटी की फिक्र खाई जा रही है। तुम ठीक कहती हो बहन, मैं खुद को तो संभाल लूं, लेकिन उसको जब देखती हूँ तो मेरा दिल खून के हंसू होता है। मैं खुद को समझा सकती हूँ ना उसको। माफी, तुमने ही मकबूल को धक्का दिया है। तुमने मकबूल को धक्का दिया है, तुम्ही ने दिया है जालिम, तुमने दिया है। ये किसने तुम्हें कहा है कि मैंने धक्का दिया है? मुझे 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 अपने खुदा ने सब कुछ बता दिया है। मैंने मैंने ख्वाब में देखा है, तुमने धक्का दिया है। मेरी बात सुनो, कभी ख्वाब भी हकीकत हो सकते हैं। मैं तो डर ही गया था, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गए हो तुम, पागल है ये पागल हो गया है। मैं पागल नहीं हूं। पागल हो गए तुम, जाओ जाओ, पागल हो।
मैं पागल नहीं हूं। चाचा, मैं आपके घर गया था, पता लगा कि आप बाहर गए हुए हैं। आप बीमार हैं और इतनी सर्दी में आप यहाँ? जाने वाले कब वापस आया करते हैं? मुझे इस बात का दुख भी है कि बबूल हुसैन मेरा एक ही बेटा था। उसके दुख को मैं कभी अपने दिल से नहीं भुला सकूंगा। चाचा, क्यों अपनी जान को अलगान करते हैं? आप बीमार हैं और सर्दी भी बहुत है। आए आए चले, आए घर चलते हैं। आए क्या हाल है? शोकी, टाइम पास। जब से तेरा यार तुझसे बिछड़ा है, तेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। ना किसी की बात सुनते हो, ना किसी की बात करते हो। देखो ओ कमले, अब मकबूल हुसैन कभी वापस नहीं आएगा। उसकी बीवी आसिया को चाहिए कि वो अपने घर आ जाए, उसका इंतजार न करे। यहां उसके चाहने वाले उसका इंतजार कर रहे हैं। उस पागल को क्या पता कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। न रात को नींद आती है, न दिन को चैन। दुनिया समझ रही है के जुदा मुझे से हो गया, जुदा मुझे से हो गया। नजरों से दूर जा के भी दिल से ना जा सका। एक अजनबी जो गैर था और बेटा, कुछ पता चला? बोल सर की माँ ये बेटे को रात उठते तो इस मेरा भी कुछ पता नहीं, कब बुलावा। बस बेटा, मैं चाहता हूँ कि आखिर अपने बेटे को मुंह देखो। चाचा, आप दुखी ना हो, अल्लाह ने चाहा तो मकबूल भाई का पता भी चल जाएगा और इंशाल्लाह आपसे हमें जरूर मिलेगा।
मुझे अपना नहीं, आसिया का गम खाया जाए, वो मनुष्य खुशियों को तरसते रहे। अच्छा चाचा, अब मैं चलता हूँ। जो ही मकबूल भाई के बारे में कुछ पता चला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और हाँ, अगर कुछ अच्छा मसला हुआ तो मुझे जरूर बताना, मैं भी आपके बेटे की तरह हूँ। जरूर बताऊ। चला यार, मैं तो उस वक्त से बहुत परेशान हूँ। बात ही परेशानी वाली है, मैं भी उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। अब हम उसके लिए दुआ और कोशिश ही कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो है, खुदा जाने वो बेचारा किस हाल में होगा। जवान जान है, कैसे गुजारा करेगी? तेरा बाप भी बीमार रहता है, ठीक मैं भी नहीं हूं। देख, जिद ना कर, मेरे साथ चल। हाँ, मेरी आंखों के सामने तो रहेगी ना। हाँ, मैं जिद नहीं कर रही। ये घर, ये दरो दीवार, ये आंगन मेरा साया है। आप मुझे मजबूर मत करें माँ। देखो मकबूल हुसैन अब कभी वापस नहीं आएगा। तुम कब तक उसकी इंतजार में बैठी रहोगे? को मैं सच कह रहा हूं, तुम वापस अपनी दुनिया में आ जाओ। देखो ये शरीयत भी है और दुनियादारी भी। अपनी आखिरी सांस तक उसका इंतजार करूंगी, क्योंकि बीवियों में उसकी। यही मेरा घर है और यही मेरे अपने। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पागल हो तुम, दीवानी हो। तेरी फिक्र मुझे नहीं होगी तो और किसी होगी। तुम्हारी आंखों में ही उदासी देख नहीं सकता। मुझे फिक्र है तो सिर्फ अपने मिजाज खुदा की, मुझे परेशानी है तो सिर्फ अपने घर वाले की। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा सुख चैन, सब कुछ मकबूल हुसैन है, सिर्फ मकबूल हुसैन। अगर तुम्हें जरा से भी शर्मा हया है तो आइंदा के बाद मुझसे इतनी गिरी हुई बात कभी मत करना। ये मत भूलो कि मैं किसी की इज्जत हूँ, किसी की गैरत।
Grrrr.